नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस वेल्थ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुझे आज फिर से स्कैनर पे एक ऐसा स्टॉक मिला है जिसको आप स्विंग ट्रेडिंग के नजरिए से अपने रेडार के ऊपर रख सकते हो। आज कई स्टॉक नहीं है, सिर्फ एक ही स्टॉक है जिसमें मुझे एक बहुत ही बेहतरीन कप एंड हैंडल का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और जिसको ब्रेकआउट देने के बाद आपके पास अच्छे खासे रिटर्न बनने के चांसेस भी आपके सामने हो जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली चल के देखते हैं वो कौन सा स्टॉक है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो बेल का आइकन आपको दिखता है वो भी आप प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सही समय पे मिलती रहे। आप देख सकते हैं मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां मैं डेली अपना व्यू शेयर करता हूं। अगर आपका स्टॉक मार्केट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप में या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसका नंबर और लिंक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए, जिस स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है इंडिया बुल रियल एस्टेट। ये स्टॉक आप देख सकते हैं एक काफी लंबे समय से 40-50 रुपए के आसपास रेंज में घूम रहा था। एक अच्छा अप ट्रेंड इस स्टॉक में हमको देखने को मिला था, 50 रुपए से लगभग 110 रुपए के आसपास, 120 रुपए के आसपास गया था। वहां से फिर से इसमें एक बहुत ही बड़ा करेक्शन हमको देखने को मिला था। मार्च के मिड से इस स्टॉक में वो करेक्शन शुरू हुआ था और जो कि इस स्टॉक को लगभग 75 रुपीज के आसपास लेके आ गया था। अब मुझे डेली चार्ट के अंदर इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा कप और हैंडल का पैटर्न बनता हुआ नजर आया है। स्टॉक करंटली 121 रुपए के आसपास कोट कर रहा है, तो आप इसमें 20-35% जो अमाउंट है आप करंट लेवल पे इस स्टॉक के अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर स्टॉक आपको वापस से नीचे के लेवल पे यानी कि 110 या 105 के लेवल पे मिलता है तो आप इसमें अनदर 50% का अमाउंट जो है ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्टॉक में 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान किया है तो करंट लेवल पे आप 6,000-7,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए। और अगर स्टॉक आपको 110-105 रुपए के आसपास मिलता है तो आप इसमें 12,000-15,000 रुपए दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो एवरेज आउट वैल्यू है वो कम हो जाए। स्टॉप लॉस इसमें क्लोजिंग बेसिस पे 103 का या फिर 100 रुपए का आप लगा सकते हैं। अगर मैं अपसाइड टारगेट की आपको बात करूं तो इसमें अपसाइड पोटेंशियल हमको बहुत ही अच्छे नजर आते हैं। रिसेंट टर्म्स में या रिसेंट डेज में स्टॉक जो है लगभग 130 रुपए के लेवल्स हमको आसानी से दिखा सकता है। 130 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो मेरा सेकेंड टारगेट जो है वो 135 का, थर्ड टारगेट जो मेरा है वो 145 का, और पैटर्न के ब्रेकआउट होने की वजह से जो मुझे टारगेट नजर आ रहा है वो लगभग 165 रुपीज का यहाँ से नजर आ रहा है। अगर टाइम फ्रेम की बात करूं कि ये टारगेट कितने दिनों में अचीव हो सकता है तो आप इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखिए। इसको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो 122 के ऊपर की अगर ये क्लोजिंग देता है तो आपको 130 रुपए के टारगेट स्विंग ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से मिल सकते हैं। अगर पोर्टफोलियो में आप इस स्टॉक को रखेंगे तो मिड ऑफ अगस्त के आसपास आपको 160 रुपए तक के टारगेट भी मिल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा स्टॉक मार्केट में याद रखनी चाहिए जब भी आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेते हैं, पोजीशन बनाते हैं, कि अगर मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होता है तो आपको उसी के हिसाब से अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करना चाहिए या फिर आगे कंटिन्यू करना चाहिए या ट्रेल करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करूंगा जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है वो आपके लिए यूजफुल होगी, जिसका फायदा आप सही तरीके से उठा सकेंगे। एज अ डिस्क्लोजर आपको बताना चाहूंगा, मैं किसी को भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो एक बार आप अपने किसी भी स्टॉक ब्रोकर या ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कशन करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में अपना पैसा दोबारा से निवेश करें।